आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो राजस्थान यूनिवर्सिटी सॉल्ट पेपर 2018 डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्ट पेपर है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रेंड्स, इसमें जो पहला क्वेश्चन था अपने पास वो था अपने पास फाइंड द डिग्री, फाइंड द डिग्री एंड ऑर्डर ऑफ गिवन इक्वेशन। ये हमारे पास ये दिया हुआ था, इक्वेशन दी हुई है वो थी अपने पास 1 प्लस dy अपॉन dx का स्क्वायर पर 4 बाई 3, सॉरी 2 बाई 3 इक्वल टू रो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये दिया हुआ था अपने पास। अब फिर हमें इसकी डिग्री एंड ऑर्डर निकालना था। अब वो निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हमें चाहिए कि ये जो इसकी पावर है इस तरह से बदल जाए अपने पास कि ये 2 बाई 3 पूर्ण घातांक के रूप में बदल जाए। अब पूर्ण घात के रूप में बदलने के लिए हमें दोनों तरफ क्यूब करना पड़ेगा, तो ये इसका क्यूब होगा तो 1 प्लस दोनों तरफ क्यूब करने पर तीन तरफ दोनों तरफ पावर 3 करने पर, 3 करने पर ये कर सकते हैं हम। दोनों तरफ क्यूब करना है तो हमें ये कर सकते हैं, सो ये हो गया 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, इसका क्यूब क्या है तो ये हो जाएगा स्क्वायर इक्वल टू रो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर और क्यूब। अब फ्रेंड्स अपने पास आ गया, ये आ गया अपनी टर्म। अब इसको हम और खोल सकते हैं, तो ये लिख सकते हैं 1 प्लस 2 dy अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस dy अपॉन डी एक्स का 4 इक्वल टू रो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये आ गया और इसका क्यूब, इसको अलग अलग लिख सकते हैं, ये क्यूब इस तरह हो गया। अब फ्रेंड्स हम देखते हैं जो पावर, इसके पहले सबसे पहले हम निकालते हैं ऑर्डर, ऑर्डर कितना है इसका, ऑर्डर मतलब कितनी बार इसका डिफरेंशिएट, हाईएस्ट डिफरेंशिएट कितनी बार किया गया है इसको, ये निकालते हैं। हाईएस्ट डिफरेंशिएट इसको 3 बार किया गया है, हाईएस्ट सॉरी 2 बार किया गया है हाईएस्ट डिफरेंशिएट, तो ऑर्डर इसका 2 हो गया। अब निकालते हैं इसका डिग्री, डिग्री क्या होता है, डिग्री होती है अपने पास जो हाईएस्ट डिफरेंशिएट किया गया है ना उसके कितनी पावर है उसके ऊपर, हाईएस्ट डिग्री इसको इसको 2 बार किया गया तो इसकी पावर अपने पास 3 है, तो डिग्री हो गई इसकी 3। इस तरह फ्रेंड्स इसका सॉल्यूशन आ गया। अब फ्रेंड्स अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट का बी क्वेश्चन था वो था अपने पास सॉल्व, और सॉल्व करना था हमको डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 2y प्लस 3, ये हमें सॉल्व करना था फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स अगर हम इसको देखें इस क्वेश्चन को, तो इसमें हम देख सकते हैं इसको, इसका गुणांक 1 है, इसका गुणांक 1 है, इसका 2 है, 2 है, तो इसके जैसे हम उससे इसको ए वन देते हैं ए टू बी वन बी टू, तो ए वन अपॉन ए टू बराबर बी वन अपॉन बी टू आ रहा है, ये आ रहा है अपने पास। तो इस कंडीशन में हम वो एक्स बराबर एक्स प्लस एच एंड वाई बराबर कैपिटल वाई प्लस के ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते। इस कंडीशन को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले एक्स प्लस वाई बराबर कुछ मानना होगा, उसको डब्ल्यू मान लिया, ये हमने मान लिया लेट, तो अपने पास डी एक्स प्लस डी वाई इक्वल टू आ गया डी डब्ल्यू। अब फ्रेंड्स हमें डी वाई अपॉन डी एक्स चाहिए यहाँ पे, तो हमें डी वाई अपॉन डी एक्स निकालने के लिए इसमें डी एक्स का डिफरेंशिएट डिवाइड करना होगा दोनों तरफ डी वाई से, तो दोनों तरफ डी वाई से डिवाइड करने पे अपने पास आ गया 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स, और इसको लिख सकते हैं डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू सॉरी डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स -1, ये लिख सकते हैं। अब फ्रेंड्स हम ये वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, जो इक्वेशन अपने पास दी हुई है इसमें पुट कर देते हैं हम, तो इसमें पुट करने पे ये आ गया अपने पास डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स -1 इक्वल टू डब्ल्यू प्लस 1 अपॉन ये 2 डब्ल्यू प्लस 3, ये आ गया।
अब फिर डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स यहाँ पर ले रख देते हैं और हम वन को इधर ले आए, तो वन को हम ले आएंगे तो डब्ल्यू प्लस वन अपॉन टू डब्ल्यू प्लस वन हो जाएगा। तो यह आ जाएगा अपने पास डब्ल्यू प्लस वन प्लस टू डब्ल्यू प्लस वन, सॉरी टू डब्ल्यू प्लस थ्री है, ये थ्री है यहाँ पे, तो ये थ्री, ये थ्री, ये टू डब्ल्यू प्लस थ्री। तो फ्रेंड्स ये आ गया अपने पास डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स बराबर आ गया ये थ्री डब्ल्यू प्लस फोर, थ्री डब्ल्यू प्लस फोर अपॉन टू डब्ल्यू प्लस थ्री। अब फ्रेंड्स अपने पास ये आ चुका है, अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, तो इसको इधर ले आते हैं, इसको हम लिख सकते हैं टू डब्ल्यू अपॉन थ्री अपॉन थ्री डब्ल्यू प्लस फोर डी डब्ल्यू इक्वल टू डी एक्स। अब फ्रेंड्स हम देख सकते हैं ये W का पूरा इस इक्वेशन है जिसमें सिर्फ W है, X या Y कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ X है। तो हमें इसका इंटीग्रेशन करने के लिए पहले सबसे पहले इसको बाई पार्ट रूल से तोड़ना पड़ेगा, इसको हमें दो आंशिक भिन्न बनाने होंगे। इसकी वो बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको एक सौ टू डब्ल्यू अपॉन सॉरी फिर से इसकी आंशिक भिन्न बनानी है हमें, तो वो उसके लिए हमें इसको लिख सकते हैं टू डब्ल्यू अपॉन थ्री सॉरी टू डब्ल्यू प्लस थ्री अपॉन थ्री डब्ल्यू प्लस फोर, इसको हमें आंशिक भिन्न में तोड़ना है। तो इसको आंशिक भिन्न में तोड़ने के लिए हमें इसको सिंपली फ्रेंड्स इसकी आंशिक भिन्न बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, इसमें सबसे पहले इसका भाग दे लेते हैं। तो इसका भाग देने पर अपने पास आ जाएगा ये आ जाएगा टू बाई थ्री प्लस वन अपॉन थ्री थ्री डब्ल्यू प्लस फोर, ये आ जाएगा फ्रेंड्स डी डब्ल्यू इक्वल टू डी एक्स। अब फ्रेंड्स अपने पास ये आ गया, तो हम इसका सिंपली इंटीग्रेशन कर देते हैं दोनों तरफ से। तो इंटीग्रेशन करने पे हम क्या जाता है, इंटीग्रेशन बोथ साइड, तो ये आ जाएगा अपने पास टू बाई थ्री डी डब्ल्यू यानी टू बाई थ्री डब्ल्यू प्लस वन अपॉन थ्री, इसका होगा थ्री डब्ल्यू प्लस लॉ फोर का होगा, तो ये हो जाएगा अपने पास लॉग थ्री डब्ल्यू प्लस फोर एवं साथ में ऊपर मल्टीप्लाई होगा वो होगा, साथ में नीचे डिवाइड होगा वो होगा थ्री का। फ्रेंड्स ये इक्वल टू एक्स, ये आ गया अपने पास। अब जब ये आ चुका है अपने पास तो हम डब्ल्यू की वैल्यू रख देनी है, हमने टू अपॉन थ्री और डब्ल्यू की वैल्यू क्या थी, एक्स प्लस वाई प्लस वन अपॉन नाइन लॉग थ्री एक्स प्लस थ्री वाई प्लस फोर इक्वल टू एक्स प्लस सी। ये फ्रेंड्स अपने पास इसका सॉल्यूशन आ गया है। फ्रेंड्स अब अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन था, वो था अपने पास सॉल्व, ये सॉल्व करना है हमें सॉल्व डी क्यू प्लस डी स्क्वायर माइनस डी माइनस वाई सॉरी माइनस वन वाई इक्वल टू कॉस टू एक्स। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन था हमें, ये सॉल्व करना है हमें। अब फ्रेंड्स इसको करने के लिए सबसे पहले हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्चुअली इक्वेशन निकालनी पड़ेगी, सहायक समीकरण जो होता है वो निकालना पड़ेगा। सहायक समीकरण क्या होता है इसका, सहायक समीकरण के लिए हमें सिंपली इसको डी की जगह एम रिप्लेस कर देते हैं, तो हम एम स्क्वायर सॉरी एम क्यू प्लस एम स्क्वायर माइनस एम माइनस वन इक्वल टू जीरो, ये इसकी सहायक समीकरण है। अब हमें इसके एम के रूट निकालने हैं। अब फिर से हम एम के रूट निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखते हैं हम एम बराबर वन इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। एम बराबर वन रखने पर ये हो जाएगा जीरो, ये वन वन माइनस वन माइनस वन, तो ये जीरो हो जाएगा। तो ये एम माइनस वन इसका फैक्टर होगा, ये क्लियर हो गया अपने पास। तो फिर से हम इसके फैक्टर इस तरह से बनाते हैं कि एम माइनस वन कॉमन आ जाए इसमें से, तो इसके लिए हम एम क्यू माइनस एम स्क्वायर कर देते हैं, क्योंकि एम स्क्वायर कॉमन लेने पर इसमें से माइनस एम कॉमन आ जाएगा, वो एम माइनस वन एक फैक्टर बन जाएगा। अभी यहाँ पर टू एम स्क्वायर करना पड़ेगा हमें, टू एम स्क्वायर, तो टू एम स्क्वायर के लिए फिर हमें एक और एम चाहिए, तो उसके लिए हमें यहाँ पे टू एम स्क्वायर क्या है, हमने यहाँ पे ये तो इक्वेशन इक्वल हो गई। अब हमें यहाँ पे एक एम और जोड़ना, मतलब माइनस टू एम चाहिए ये, तो हमने क्या किया, हमें एक एम घटाया है, तो इसमें प्लस एम हो जाएगा माइनस वन। अब फिर से हम इसको अगर हम फिर से सॉल्व करें तो एम स्क्वायर
ये दोनों मिलके हमारे पास ओनली एम स्क्वायर आ जाएगा, इन दोनों को सॉल्व करने पे माइनस एम आ जाएगा और ये माइनस वन। इस तरह से हमारे पास इक्वेशन चेंज नहीं हुई, बस हमें इक्वेशन में थोड़ा चेंज किया हमने, तो ये आ गया। अब हमने से एम स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो ये एम माइनस वन, यहाँ से प्लस टू एम कॉमन ले लिया तो ये एम माइनस वन, प्लस वन कॉमन ले लिया तो एम माइनस वन। तो इसका इस हिसाब से एम एम माइनस वन पूरे में से कॉमन ले सकते हैं, तो एम माइनस वन ये कॉमन आ जाएगा और एम स्क्वायर प्लस टू एम प्लस वन यहाँ से कॉमन आ जाएगा। तो फ्रेंड्स ये तो एम माइनस वन हो गया, ये वो क्या हो गया, एम प्लस वन का होल स्क्वायर, एम प्लस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अब फ्रेंड्स अपने पास एम बराबर क्या वैल्यू आ गई, एम बराबर एक तो वन आ गई, फिर माइनस वन एंड माइनस वन, ये एम की दो वैल्यू अपने पास आ चुकी हैं। अब फ्रेंड्स हम इसका सी एफ निकालते हैं, सी एफ कैसे लिख सकते हैं, सी एफ होगा वो अपने पास आएगा, सी एफ होगा सी वन ई की पावर एक्स प्लस, ये दोनों सेम है तो एक बार सी वन आएगा सी टू आएगा प्लस सी थ्री एक्स आएगा, उसके बाद ई की पावर माइनस एक्स, ये अपने पास सी एफ आ गया इसका। अब फ्रेंड्स हम निकालते हैं पी आई, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं, तो वो क्या होता है, पर्टिकुलर इंटीग्रल होता है वन अपॉन एफ डी क्यू ऑफ एक्स, ये होता है अपने पास। एफ डी का क्या है, यहाँ पे एफ डी ये अपने पास जो दिया हुआ है डी डी क्यू प्लस डी स्क्वायर माइनस डी माइनस वन, और जो क्यू एक्स है ये है अपने पास कॉस टू एक्स, ये निकालना होता है। तो ये वन अपॉन एफ डी ये आ जाएगा डी क्यू प्लस डी स्क्वायर माइनस डी माइनस वन कॉस टू एक्स। अब फिर हम इस क्वेश्चन में देख सकते हैं, अगर एफ माइनस ए स्क्वायर, यहाँ माइनस ए क्या है, ये टू माइनस ए टू है, ए बराबर टू है, एफ माइनस ए स्क्वायर बराबर इक्वल नोट जीरो हो रहा है। अगर यहाँ पे हम डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर रिप्लेस करें, मतलब माइनस फोर करें, तो वहाँ पे जीरो हो रहा है, नहीं जीरो नहीं हो रहा, तो इसको हम लिख सकते हैं, इस कंडीशन में हम इसको सॉल्व कर सकते हैं सिंपली, जहाँ पे भी डी स्क्वायर आ रहा है वहाँ पे माइनस फोर लिख देना है हमें, तो यहाँ पे डी स्क्वायर आएगा क्योंकि डी स्क्वायर डॉट डी आई है, तो ये हो जाएगा वन अपॉन माइनस फोर डी, यहाँ पे डी स्क्वायर है तो ये माइनस फोर माइनस डी प्लस वन, और ये कॉस टू एक्स है अपने पास। मतलब ये हम फ्रेंड्स हमने इसमें ये फॉर्मूला लगाया है वन अपॉन एफ डी स्क्वायर कॉस ए एक्स बराबर होता है वन अपॉन एफ माइनस ए स्क्वायर कॉस ए एक्स इफ एफ माइनस ए स्क्वायर इक्वल नॉट जीरो, तो हमने ये फॉर्मूला इसमें लगा दिया है। तो ये हो गया अपने पास फ्रेंड्स वन अपॉन ये वन अपॉन माइनस फाइव डी और माइनस ये हो गया, सॉरी ये फ्रेंड्स माइनस का साइन है यहाँ पे, ये माइनस का साइन है तो ये माइनस फाइव हो गया। इस तरह से ये हो गया अपने कॉस टू एक्स, अब यहाँ से माइनस फाइव कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो गया माइनस फाइव वन अपॉन डी प्लस वन कॉस टू एक्स। अब फ्रेंड्स अगर हम इस दोनों ऊपर नीचे दोनों दोनों जगह डी प्लस माइनस वन का मल्टीप्लाई कर दें, तो माइनस वन अपॉन फाइव डी माइनस वन का ऊपर मल्टीप्लाई किया एंड डी माइनस वन का नीचे किया, तो डी स्क्वायर माइनस वन हो गया ये, और ये हो गया कॉस टू एक्स। फ्रेंड्स फिर से हमने इसी फॉर्मूले का यूज़ किया क्योंकि एफ माइनस ए स्क्वायर इक्वल नॉट जीरो हो रहा है, तो ये इसका यूज़ करने के बाद हमारे पास आएगा माइनस वन अपॉन फाइव, और ये माइनस फोर माइनस वन ये हो गया माइनस फाइव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस फाइव और डी माइनस वन कॉस टू एक्स। तो फ्रेंड्स ये तो हो गया वन अपॉन ट्वेंटी फाइव, वन अपॉन ट्वेंटी फाइव और ये डी माइनस वन, इसका करेंगे तो हम इसका एक तो डी कॉस टू एक्स और माइनस कॉस टू एक्स, जहाँ डी बराबर अपने पास क्या होता है फ्रेंड्स, डी बराबर डी बाई डी अपॉन डी एक्स होता है, मतलब तो हमारे पास यहाँ पे इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन करना है इसका कॉस टू एक्स का, तो वो आ जाएगा इंटीग्रेशन अपने पास आ जाएगा वन अपॉन ट्वेंटी फाइव तो बाहर ही रहेगा, और इसे इंटीग्रेशन करेंगे तो वो आ जाएगा माइनस साइन टू एक्स डॉट टू, तो टू को हम आगे लिख सकते हैं माइनस कॉस एक्स। फिर से अपने पास पी आई आ गया, ये पी आई आएगा जो सॉल्यूशन होगा अपने पास, सॉल्यूशन होता है वो सी एफ प्लस पी आई होता है, तो सी एफ प्लस पी आई लिख देते हैं। सी एफ क्या था अपने पास, सी वन ई की पावर एक्स प्लस सी टू प्लस सी थ्री एक्स ई की पावर माइनस एक्स प्लस वन अपॉन ट्वेंटी फाइव माइनस टू साइन टू एक्स माइनस कॉस एक्स, ये फ्रेंड्स हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ गया। फ्रेंड्स अब आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड का बी पार्ट, वो थर्ड का बी पार्ट क्या था, हमें सॉल्व करना था, सॉल्व और इक्वेशन दी हुई थी हमारे पास,
वो थी डी स्क्वायर माइन सॉरी डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 और इक्वल में दिया हुआ था, बाय इक्वल दिया हुआ था अपने पास, वो था अपने पास 8x² ई की पावर 2x साइन 2x, ये दिया हुआ था। पर इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें जो पहले वाले क्वेश्चन में किया उसी मेथड को हमें इसमें अप्लाई करना है। इसके लिए सबसे पहले हमें PI निकालना है, तो PI निकालने के लिए ए ई निकालना जरूरी होता है। ए ई क्या होता है अपने पास, सिंपली डी की जगह एम रिप्लेस कर दो तो m² - 4m + 4 = 0 ये होता है। तो ये इसका जो ये हो गया अपने पास m - 2² = 0, तो m बराबर आ गया अपने पास 2 2। तो इस कंडीशन में अपने पास CF जो हो जाएगा वो हो जाएगा अपने पास C1 + C2, क्यों दो बार है तो C1 + C2x एंड e की पावर 2x, ये तो CF हो गया। अब फिर से हमें PI निकालना है। अब PI निकालने के लिए क्या करते हैं, 1/FD + QX ये करते हैं। तो 1/FD क्या है, ये FD ये रहा D² - 4D + 4, तो ये हो गया D² - 4D + 4 और ये हो जाएगा अपने पास 8x² e की पावर 2x sin 2x, ये हो गया अपने पास। अब फिर इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको D - 2² लिख सकते हैं, तो 1/D - 2² और इसको हम आगे पीछे लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं हम 8x² sin 2x। अब फिर समय पे e की पावर 2x वाला हम अप्लाई कर देते हैं। e की पावर 2x वाला फॉर्मूला क्या कहता है, अगर 1/FD हो डी माइनस सॉरी 1/D - α f ई की पावर ए एक्स हो तो ये हो जाता है 1/A - α e की पावर ax, वेयर a - α = 0, ये होना चाहिए। इस कंडीशन में हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, सॉरी ये होता है ये फॉर्मूला होता है, मैंने गलत बता दिया, 1/FD e की पावर α x, ये अप्लाई हो जाता है 1/FD + α e की पावर α x, इससे अप्लाई हो जाता है। तो हमने इससे अप्लाई कर दिया, तो ये 1/e की पावर 2x जो हो जाएगा 1/D + 2 - 2, क्योंकि D + α करना होता है हमें, तो D + 2 - 2 और e की पावर 2x आ गया जाएगा 8x² sin 2x। तो ये हो गया अपने पास e की पावर 2x 1/, ये तो सिंपली D² ये हो गया और x² sin 2x। अब फिर से अपने पास ये क्वेश्चन आ चुकी है, e की पावर 2x 1/D² x² sin 2x, मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, e की पावर 2x D - 2 x² sin 2x। अब फ्रेंड्स इसका मतलब है हमें इसका दो बार इंटीग्रेशन करना है। अब फ्रेंड्स हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, यहाँ पे 8 आएगा क्योंकि 8 ये चल रहा है, ये 8 आएगा, तो 8e की पावर 2x D - 2 x² sin 2x, इसका हमें दो बार इंटीग्रेशन करना है। वो इंटीग्रेशन करते हैं, फिर से हमें जो इक्वेशन दी हुई है ये अपने पास 8e की पावर 2x D - 2 x² sin 2x, इसको हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे देते हैं। अब पहले हम इसका एक बार इंटीग्रेशन कर देते हैं, वो आ जाता है अपने पास सिंपली हम D inverse x² sin 2x, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x² sin 2x ऑफ dx, ये लिख सकते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो ये आ जाता है अपने पास, सिंपली x² को छोड़ देते हैं, तो x² को छोड़ दिया, ये आ गया इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x माइनस dy/dx, इसका होगा डिफ्रेंशिएट होगा तो ये 2x हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, ये x हो जाएगा। अब sin 2x इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x ऑफ dx, हमने फ्रेंड्स फर्स्ट डॉट सेकंड रूल लगा दिया, तो हो जाएगा x², इसका इंटीग्रेशन होगा वो माइनस में आएगा cos 2x / 2 प्लस सॉरी माइनस, ये टू 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 तो बार है ही, ये एक्स और ये हो जाएगा अपने पास cos 2x / 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, ये आ जाएगा फ्रेंड्स अपने -x² / 2 cos 2x +
ये माइनस, इस माइनस की वजह से प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया अपने पास इंटीग्रेशन ऑफ एक्स कॉस टू एक्स। अब फिर से हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो इसके लिए हमें माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू कोस टू एक्स प्लस, इस बार एक्स को छोड़ दिया और कोस टू एक्स क्या, तो ये आ गया अपने पास साइन टू एक्स अपॉन टू माइनस, इस बार हमें डिफ्रेंशिएट तो इसका एक्स करने तो वो तो वन हो जाएगा ये वन, और इंटीग्रेशन इसका करेंगे तो वन अपॉन टू सॉरी को साइन, इसका इंटीग्रेशन करेंगे साइन टू एक्स ऑफ डी एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू कोस टू एक्स प्लस एक्स साइन टू एक्स अपॉन टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इस बार इंटीग्रेशन करने पे, तो प्लस वन अपॉन फोर साइन टू एक्स। फिर ये आ चुका है अपने पास, अभी हमें एक बार इंटीग्रेशन किया, अभी इसका सेकेंड बार इंटीग्रेशन करना होगा, एक बार इंटीग्रेशन करेंगे तो उसमें क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, इसका इंटीग्रेशन करना है हमें एक बार और, तो उसे लिख लेते हैं माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू कोस टू एक्स प्लस एक्स साइन टू एक्स अपॉन टू प्लस वन अपॉन फोर साइन टू एक्स। फ्रेंड्स इसका इंटीग्रेशन करना है हमें डी एक्स एक्स के रेस्पेक्ट में, तो हम इसे इंटीग्रेशन करते हैं तो वो हो जाएगा, पहले हम इसके इस टर्म का इंटीग्रेशन करते हैं, तो माइनस तो बाहर है ही, इसका हो जाएगा अपने पास एक्स स्क्वायर को छोड़ के कोस टू एक्स का, तो हो जाएगा अपने पास साइन टू एक्स अपॉन टू, फिर हमने माइनस का साइन लगाया और अब इस बार हमें एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करना है हमें एक्स स्क्वायर का। फ्रेंड्स इसमें टू है इसको हम बाहर ले लेते हैं, ये तो बाहर है ही, इसको वन अपॉन टू यहाँ बाहर लिया हुआ है हमने, ये माइनस का साइन लगाया तो ये हो गया अपने पास इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन टू एक्स, ये आ जाएगा अपने पास डी एक्स। अब फ्रेंड्स इसका हमें करना है, तो इसको हम करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको सिंपली इंटीग्रेशन में लिख देते हैं एक्स साइन टू एक्स, ये लिख देते हैं क्योंकि टू हमने कॉमन ले लिया, टू हमने सबसे जगह से यहाँ कॉमन ले दिया है। फ्रेंड्स प्लस वन अपॉन फोर इसका इंटीग्रेशन करना होगा, तो ये हो जाएगा अपना कॉस टू एक्स अपॉन टू। अब फ्रेंड्स इससे तो ये कट गया अपने पास सिंपली, तो ये आ गया अपने पास माइनस वन अपॉन एट एक्स स्क्वायर साइन टू एक्स। एंड फ्रेंड्स ये जो हमने इंटीग्रेशन किया था ये माइनस वन अपॉन फोर कोस टू, तो इसका माइनस से साइन आएगा या यहाँ पे, तो माइनस वन अपॉन एट कोस टू एक्स, या हम वन अपॉन एट कॉमन ले सकते हैं, माइनस का वन अपॉन एट कॉमन ले सकते हैं, तो ये आ जाएगा अपने पास एक्स स्क्वायर साइन टू एक्स प्लस कोस टू एक्स, ये आ गया फ्रेंड्स अपने पास। अब फ्रेंड्स अपने पास ये इंटीग्रेशन आ चुका है, तो ये दो बार इंटीग्रेशन पे आ गया, अब सॉल्यूशन लिख सकते हैं जो सॉरी ये अपने पास यहाँ से ये आ जाएगा एक, अब इसको लिख सकते हैं एट ई की पावर एट से, तो एट कट जाएगा, तो ये तो एट तो कट गया, ई की पावर टू एक्स माइनस का साइन बाहर आ जाएगा, माइनस ई की पावर टू एक्स एक्स स्क्वायर साइन टू एक्स प्लस कोस टू एक्स, ये हो गया। अब फ्रेंड्स हम इसका सॉल्यूशन जो लिख सकते हैं वो इस तरह से लिख सकते हैं हम सॉल्यूशन जो y बराबर सी एफ प्लस पी आई लिखते हैं, तो y बराबर हो जाएगा सी एफ, क्या हो जाएगा अपने पास सी एफ अपने पास है सी वन प्लस सी टू एक्स ई की पावर टू एक्स एंड पी आई है ई की पावर टू एक्स एक्स स्क्वायर साइन टू एक्स प्लस कोस टू एक्स। फ्रेंड्स ये अपने पास इसका सॉल्यूशन आ चुका है। फ्रेंड्स आई थिंक मुझे ऐसा लगता है इसमें कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है इस क्वेश्चन में, लेकिन हाँ मैं ये कह सकता हूँ इसमें जो मेथड है वो मेथड पूरा सही है।